डिंडोरी से है, जहां डिंडोरी के धमनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुसेरा में कुल आबादी जनसंख्या 1534 पोर्टल पर दर्ज है और पीएचई विभाग के अफसर के रिकॉर्ड में 343 घरों पर बाकायदा पानी की सप्लाई भी चालू है, जबकि 4 स्कूल और 3 आंगनबाड़ी पर पानी की सप्लाई कागजों पर चल रही है। विभाग के द्वारा गलत जानकारी सरकार तक पहुँचाई जा रही है, जबकि हकीकत में 100 घरों पर भी पानी की सप्लाई चालू नहीं है और ना ही स्कूल आंगनबाड़ी पर पानी की सप्लाई चालू है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पीएचई विभाग के अफसर शिवराज सरकार के हर घर पानी देने की बात को सिर्फ कागजों पर ही चला रहे हैं। ताने में सर मैंने देखा हूँ नेट में और प्रशिक्षण के दौरान भी मुझे सिखाया गया है शेखपुरा में, तो वहाँ नेट में तो कनेक्शन 343 हर घर में मतलब कनेक्शन पहुँचा दिया गया है, परंतु आंखों से देखने में ये देखने को मिलता है कि 100 घर में भी पानी नहीं जा रहा है। देखिए, कुसेरा ग्राम जो है वो 4 साल पहले विभाग ने सीएम नल योजना के तहत काम किया था और उसमें 343 जैसा आप बता रहे हैं हम लोगों ने उतना कनेक्शन दिया है और उसके बाद लगातार जो पंचायत या समिति के द्वारा जो उसका संधारण संचालन किया जाना चाहिए वो ना होने के कारण, अन्य कारणों के कारण हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो, इसका हम एक बार दिखवा लेंगे और दिखाने के बाद साथ ही आप लोगों के माध्यम से ये संदेश भी लोगों तक पहुंचाएंगे कि नल जल योजना जब शासन आपके गांव तक लाती है तो उसका संचालन संधारण जलकर की राशि से पंचायत को या समिति को ही करना होता है।